नमस्कार फ्रेंड्स, डिजिटल ओडिशा यूट्यूब चैनल आपको स्वागत। आज लेक्चर में मुझे कंप्यूटर विषय में डिस्कशन करी जोटा कि आपंकर ओएसएससी एग्जाम आउ एनटीपीसी एग्जाम बहुत हेल्पफुल कर ध्यान सहित लेक्चर को ठीक से देखिए। आम कंप्यूटर क्या कही था? कंप्यूटर गोटे इलेक्ट्रोनिक डिवाइस जे कौन कर यूजर ठार डाटा को इनपुट करी पुणी प्रोसेस कर पुणी कौन कर रिजल्ट को प्रड्यूस करता है क्या पाखक यूजर पाखक से कंप्यूटर लिखा है। देखो कंप्यूटर इज एन एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक रॉ डाटा एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रोसेस इट अंडर द कंट्रोल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस ए रिजल्ट एंड सेव इट फॉर फ्यूचर। से कौन करता है रॉ डाटा इनपुट हिसाब से लेकर कौन करता है प्रोसेस करता है सहित ये कौन करता है रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है आउटपुट प्रोवाइड करता है क्या यूजर को आउ पी कौन करता है सेव इट फॉर फ्यूचर यूज मैंने भविष्य यूज सेव कर मेमोरी माध्यम से सेव करता है स्टोरेज डिवाइस माध्यम से सेव करता है। आम जाना फंक्शनालिटी ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर फंक्शन कौन देखो मुझे कौच आपको स्टेप वन मैंने टेक्स्ट डाटा एच इनपुट ये कौन कर फास्ट कौन कर कंप्यूटर कौन करता है इनपुट डाटा को इनपुट करता है इनपुट माध्यम से डाटा को इनपुट करतापुर से आउटपुट प्रोवाइड कर बिना इनपुट से किसी कर तापर सेकेंड हूँ स्टोर द डाटा इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी एंड यूज द टाइम डैमेज रिक्वायर्ड ये कौन करता है आम जो डाटा इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करूँ ये कौन कर स्टोर को रखे से तार दरकार हम ना से निजे से स्टोरिंग काढ़ से निजे यूज करदी आपंकर डाटा को आज स्टोर कर गोटे फिल्म स्टोर कर हार्ड डिस्क्रे जिते बेले आपंट खोलने खोली पारे ना बिना अनुमति में खोली पारे सेता हूँ एट डैमेज रिक्वायर्ड जो समय आपड़ रिक्वायर करते समय ये कंप्यूटर ताको ओपन कर नेक्स्ट हूँ प्रोसेस द डाटा एंड कन्वर्ट इनटू यूजफुल इनफर्मेशन जो डाटा को आम प्रोवाइड करा प्रोसेस करपर कौन हम ताको गोटे यूजफुल इनफर्मेशन भाव में आपको प्रोवाइड कर कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इनफर्मेशन एटा हूँ आपंकर तीन नंबर काम तापर चार नंबर काम हूँ जेनेट द आउटपुट आउटपुट को जेनेट कर जहाँ भी आम इनपुट करूँ प्रोसेस कर आउटपुट जेनेट करता है पूरा ठीक से जेनेट करता है। लास्ट हूँ कंट्रोल ऑल द एबव फॉर द स्टॉप कंट्रोल ऑल द एबव फॉर स्टेप ये जो आम जहाँ भी अच्छी इनपुट ता प्रोसेस कला तापर आउटपुट प्रोवाइड कला तापर ए सब को किए कन्वर्ट ये आम कंप्यूटर ही सब स्टेप को कौन करता है कंट्रोल करता है। ठीक अच्छे देखे कंप्यूटर आपंकर तीन टाइम बेस चल था गोटे हूँ इनपुट गोटे प्रोसेस आ गोटे हूँ आउटपुट जिते बेल आपड़ इनपुट दौरान इनपुट डिवाइस आम क्या कही था कीबोर्ड माउस आपर स्कैनर बहुत सारा इनपुट डिवाइस अच्छी जो थे आम कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करताक आम इनपुट डिवाइस कही था प्रोसेस कौन कर प्रोसेस मान आप जो जहाँ भी आपम होगा जब दुई प्लस तीन कले किए प्रोसेस कर प्रोसेस मध्यम प्रोसेस हम तर से आउटपुट हिसाब से बाहर बाहर को आउटपुट डिवाइस आम क्या कही था प्रिंटर मॉनिटर तापर आपंकर रहा बहुत किसी अच्छे आउटपुट आपको मुझे डिस्कसन कर देखिए आप देखिपारे आउटपुट डिवाइस कौन इनपुट डिवाइस कौन मेनली आप जो थे आउटपुट पाई कंप्यूटर से आउटपुट डिवाइस। ठीक अच्छे तापर एडवांटेज कंप्यूटर देखो आपंकर कंप्यूटर एडवांटेज कौन आम कौन कंप्यूटर को व्यवहार कर तार भल गुण कौन एक्चुअली देखो बहुत हाई स्पीड होता है कंप्यूटर बहुत हाई स्पीड होता है कंप्यूटर इज वेरी फास्ट डिवाइस मान गोटे क्लिक रे आपंकर ये सब किसी काम कर कंप्यूटर इज वेरी फास्ट डिवाइस हाई स्पीड रे जीव एटा तापर नेक्स्ट हूँ इट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन इन वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ये कौन करता है बहुत कैलकुलेशन कर पारिथे बहुत अमाउंट ऑफ आपर लक्ष लक्ष भी एड करूँ गोटे सेकेंड दुई सेकेंड मान गोटे सेकेंड से सल्व कर देता है एटा हूँ आपंकर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा तापर देखो द कंप्यूटर हैज यूनिट ऑफ स्पीड इन मिनिट्स माइक्रो सेकेंड नानो सेकेंड एंड इवेन द पिको सेकेंड केतेबेले यार जो स्पीड थाए ना सेटा माइक्रो सेकेंड होता है नानो सेकेंड थाए इवेन द पिको सेकेंड मध्य होता है बहुत बहुत फास्ट होता है। ठीक अच्छे तापर देखो लिखा है इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन ए फ्यू सेकेंड एज कंपेयर टू मेन हु विल स्पेंड मेनी मंथ टू परफॉर्म सेम टास्क जितेबेले गोटे मनीष गोटे काम को बहुत दिन रात करें कंप्यूटर ताको किसी मिनिट्रे किसी सेकेंड माध्यम से सल्व कर देखाई थाए सेटा होची कंप्यूटर एडवांटेज गोटे एटा होची हाई स्पीड जीव तापर एक्यूरेसी कथा जदि आमे कहबा कंप्यूटर केबे भूल करना थाए। ठीक अच्छे से बहुत फास्ट काम करबे किंतु केबे भी भूल करबनी जदि आपण 2 रु 3 मिसेई छेंती आपणकर 5 ही आसीबो से केतेर 6 ही आसीबोनी आपणकर डाटा जी ठीक से इनपुट करछेंती राइट से आपणकर जो रिजल्ट सेटा भी ठीक आसीबो जदि आपण रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिछेंती आपणकर आंसर रॉन्ग आसीबो किंतु ये बहुत एक्यूरेसी प्रोवाइड करथाए।
ठीक अच्छे लिखा है देखो इन एडिशन टू द बिंग वेरी फास्ट कंप्यूटर वेरी एक्यूरेट बहुत फास्ट चली थे सहित बहुत एक्यूरेट द कैलकुलेशन आर 100% एरर फ्री जहाँ भी कैलकुलेशन होता है सब 100% एरर फ्री होता है कंप्यूटर परफॉर्म ऑल जॉब विथ 100% एक्यूरेसी प्रोवाइडेड दैट इनपुट इज करेक्ट जदि आप इनपुट ठीक से दौरान कंप्यूटर 100% तार एक्यूरेसी आपको प्रोवाइड कर भूल कर देखो स्टोरेज कैपेबिलिटी बहुत सारा स्टोरेज अच्छी जमी आप टीबी एमबी जीबी जिगाबाइट मेगाबाइट टेराबाइट एसबु आम कौन यूम यूज करता स्टोरेज स्टोरेज हिसाब से कौटी कंप्यूटर में यार जो स्टोरेज कैपेबिलिटी बहुत बेसी जदि आपर सिस्टम जहाँ भी आपड़ बेसी डाटा को स्टोर करेंगे आपड़ी टीबी यूज करते आपड़ बहुत किसी डाटा को स्टोर करेंगे एटा हूँ आप स्टोरेज कैपेबिलिटी जिते डाटा स्टोर कले ये कौन हुए सर न था आपर कैपेबिलिटी अनुजाई ठीक अच्छे मेमोरी इज ए भेरी इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर्स ए कंप्यूटर हैज मोच मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन ह्यूमन बीइंग्स गोटे मनुष्य गोटे कंप्यूटर स्टोरिंग पावर बहुत बड़ी बहुत अधिका इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ये बहुत सारा डाटा को स्टोर को रखी पारिथाय इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डाटा सब्जेक्ट इमेज वीडियो टेक्स्ट ऑडियो एटसेट्रा ये कौन करता है आप बहुत सारा डाटा को सब को रखी पारिथाय जमी ऑडियो है वीडियो है टेक्स्ट है जहाँ भी आप सेव कर सब कंप्यूटर में सेव हो रहे आप क्वेश्चन आसो आम कंप्यूटर कौन सब सेव कर रखिपर वीडियो टेक्स्ट ऑडियो इमेज तापर देव किसी ऑप्शन देव तापर नन अफ दी थे ऑप्शन में आप सब क्लिक करेंगे इमेज वीडियो टेक्स्ट ऑडियो जेकोसी चीज आप चाहते आप रखिपर ऑल ऑफ द अबव तापर डिलीजेंस देखो ये कौन डिलीजेंस मैंने कहीदे ओडिया ये कह टायर्ड होने थे जिते भी आपड़ कम करूँ ना ये टायर्ड के टायर्ड हेनी आमती मनीष दिन पाँच दिन यदि एक सागर काम कला टायर्ड हो जाए कि कंप्यूटर आप टायर्ड के हुए जिते समय आप करम से चलती अनलाइक ह्यूमन बीइंग ए कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मेंटली टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन तार कंसंट्रेशन के कमी न था जमी मनुष्य बेसी टाइम कम कला तार कंसंट्रेशन कमी जाए गोटे कम से बहुत टायर्ड फिल करता है कि कंप्यूटर सेमती किसी ना तार जिते आप कम करते कम कर तार कौन टायर्डनेस ना कि तार कंसंट्रेशन ना ठीक अच्छे किंतु हाँ के कहता है जितेबाला आपंकर बेसी कम पड़गला आप कंप्यूटर हैंग हो स्लो हम कि आप बेसी फाइल ओपन करते बेसी कम लोड होगा आप कंप्यूटर हैंग कर कि टायर्डनेस टायर्ड हो नाई कि तर कंसंट्रेशन के हर नाई यहाँ हूँ डिलीजेंस इट कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट एनी एरर एंड बेडरूम बरेडम बहुत सारा एनी एरर विदाउट एनी एरर सब कम कर कंटिन्यूसली जिते पद आप कार्य करते चल डिलीजेंस मन रखु तापर हो कौन वर्सालिटी वर्सालिटी मैंने कौन आम गोटे कंप्यूटर बहुत सारा कार्य करमी आम गोटे पक्ष म्यूजिक शुणुचु गोटे पटे वीडियो एडिटिंग करुचु गोटे पटे टाइपिंग करुचु आ गोटे पटे आप इंटरनेट ब्राउजिंग करा हो कंप्यूटर वर्सालिटी पावर एका संगे आम पाँच छटा कार्य करंप्यूटर कंप्यूटर इज ए भेरी वर्सटाइल मेसीन ए कंप्यूटर इज भेरी फ्लेक्सीबल इन परफॉर्मिंग द जॉब टू द डन दिस मेसीन कैन बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड वेरियस फील्ड जमी आप एट वन इंस्टेंट इट मे सॉल्विंग ए कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम द वेरी नेक्स्ट मोमेंट इट मे बी प्लेइंग ए कार्ड गेम आम जो समय कौन सी गीत शुणुचु कि टाइपिंग करुचु से समय आम इंटरनेट मतलब ब्राउजिंग करेकोसी आप चाहिए कार्य करेंगे से समय से वर्सालिटी पावर ठीक अच्छे आप क्वेश्चन आसब एका संगे कंप्यूटर कार्य करता पावर को आम कौन कही से ही यूनिट को आम कौन कही था आंसर ऑफ वर्सालिटी ठीक अच्छे वर्सालिटी आउ डिलीजेंस कही था डिलीजेंस हूँ आपंकर से केवे थका हो न था डिलीजेंस से डिलीजेंस ओके नेक्स्ट हूँ देखो रिलायबिलिटी कंप्यूटर इज रिलायबल मशीन मॉडर्न कंप्यूटर्स हैव लॉन्ग लाइफ्स कंप्यूटर आर डिजाइन टू मेक मेंटेनेंस इजी रिलायबिलिटी माने आपंकर बहुत कम दाम को आप बाय करेंगे बेसी दाम भी नहीं यार आप कम टकर गोटे रिलायबल मेसीन मैंने आपड़ जुआ भी नहीं पारे यूज करें सहित बहुत कम दाम मिल पारे यहाँ हूँ रिलायबिलिटी ठीक अच्छे तापर देखो ऑटोमेशन कंप्यूटर इन ऑटोमेटिक मेसीन ऑटोमेशन इज द अबिलिटी टू परफॉर्म गिवन टास्क ऑटोमेटिकली वन्स द कंप्यूटर रिसीव प्रोग्राम द प्रोग्राम इज स्टोर्ड द कंप्यूटर मेमोरी देन द प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन कैन कंट्रोल द प्रोग्राम एक्सटेंशन विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन जदि आप कंप्यूटर किसी प्रोवाइड करदे तापर से कौन कर किसी इनफर्मेसन मागेबनी डायरेक्ट से तार जाए प्रोसेस कर आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर जदि आप किसी भी आप कंप्यूटर प्रोवाइड कर मन कर दुई प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच करदे आप इज गोल्ड चिन्ह मारिक एंटर करदे
ତାପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଆଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମାଗିବନି, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ, ଯାହା ବି ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ମିଶାଇବ ପାଞ୍ଚ ମିଶାଇ ଯାହା ହେବ ଆନ୍ସର୍ ସେତିକି ସେ ଦେଖାଇବ। ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଅଟୋମେସନ୍, ମାନେ ଏଇଟା ଅଟୋମେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଅଟୋମେସନ୍ ହେଇଥାଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ରିଜଲ୍ଟ ଦେଖାଇଥାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଟୋମେସନ୍। ତାପରେ ରିଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ ପେପର୍ ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଗ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ପେପର୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଅଫିସରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କଲେଜରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଲେଖିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ଡାଟା ରଖିବା ପାଇଁ ପେପର୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ମାନେ ତାକୁ ଫାଇଲ୍ କରି ରଖା ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ସେସବୁ କରାପଡ଼ୁନି, ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକ୍ସେଲରେ ଟାଇପିଂ କରିଦେଲେ ଆଉ ସେଭ୍ କରିଦେଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଦେଇଛି ରିଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପେପର୍ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟ, ମାନେ ବହୁତ ପଇସା ମଧ୍ୟ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ତାପରେ ପେପର୍ ୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା କେଉଁଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ। ଲେଖା ହେଇଛି ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫର୍ ଡାଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ଇନ୍ ଆନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ରିଡକ୍ସନ୍ ପେପର୍ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ରିଜଲ୍ଟ ସ୍ପିଡିଂ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆଗ କ'ଣ କହୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର ରିଜଲ୍ଟ ଆସୁଥିଲା ସେମାନେ କ'ଣ ପେପର୍ ଅନୁଯାୟୀ ରିଜଲ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ପେପର୍ ଦେଉଥିଲେ, ସେମିତି ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ରିଜଲ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ହେଉଛି ରିଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପେପର୍ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ, ଇଏ ନୋ ଆଇକ୍ୟୁ, ମାନେ ଏହାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୌଣସି ଆଇକ୍ୟୁ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିମତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆମେ 2+3 ଦେଇଦେଉଛୁ, କିଛି କାମ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ସେ କରିବ, ସେଟା ତା ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ କିଛି କରିପାରିବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି ବି କରିପାରିବ, ସେଟା ହେଉଛି ନୋ ଆଇକ୍ୟୁ, ତା'ର କୌଣସି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଛି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ କହିବେ କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବେ, ସେ କରିପାରିବ ନା, ତା ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ୍ ଏ ମେସିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ନୋ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟୁ ପରଫର୍ମ ଏନି ଟାସ୍କ, ଇଚ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହାଜ୍ ବି ଗିଭନ୍ ଟୁ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଟେକ୍ ଏନି ଡିସିସନ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍, ମାନେ ସେ କୌଣସି ନିଜ ହିସାବରେ କୌଣସି ଡାଟାକୁ ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବନି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟା ହିଁ ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ଗଲତ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗଲତ କାମ ହିଁ ଦେଖାଇବ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବନି ଏଇଟା ଗଲତ କିଟା ଭୁଲ କହିବନି। କେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବ୍ରାଉଜିଂ କରୁଛୁ ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଜଣା ଅଛି ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଟା ଜାଣିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜାଣିଥିବ, ଆଗରୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଥିବ, ତାପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଏଇଟା ବ୍ୟାନ୍ ଦେଖାଇବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଆମେ ଓପନ୍ କରିଥାଉ, ଆପଣ ଲେଖିଥାଏ ଇନସିକ୍ୟୁର ଦେଖାଇଥାଏ, ଡାଟା ବି ଇନସିକ୍ୟୁର, ସେ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ସେଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଡାଟାରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରାଯାଇଥାଏ, ମାନେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଜଣାଯାଇଥାଏ ଯେ ଏହିସବୁ ଫାଇଲ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଦର୍ଶାଇ ନଥିବା, ଆମେ ଗଲତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ ବି ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଟପୁଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ, କହିବନି ଏଇଟା ଭୁଲ, ଏଇଟା ଠିକ୍ କହିବନି ସେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନୋ ଆଇକ୍ୟୁ, ମାନେ ତା'ର ନିଜର କିଛି ବୁଦ୍ଧିମତା ନାହିଁ। ତାପରେ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି, ମାନେ ଇଏ ସବୁବେଳେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ସବୁବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ନ ଚାହିଁଲେ ଇଏ କିଛି ବି କାମ କରିପାରିବନି, ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଚାହିଁଲା ସବୁ କାମ କରିପାରିବ, ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ ନ ଚାହିଁଲା ଇଏ କିଛି ବି କରିପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମେ କହିବା ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି, ମାନେ ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ମେସିନ୍ କହିପାରିବା। ତାପରେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ, ଦ ଅପରେଟିଂ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସୁଡ଼ ବି ଡଷ୍ଟ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟେବଲ, ମାନେ ଆମେ କେଉଁ ସମୟରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଧୂଳିରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଧୂଳି ଯଦି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଡଷ୍ଟ ଫ୍ରି ଏରିଆ ଆଉ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଏରିଆରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିଥାଉ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କ କେଉଁଠି ଧୂଳିରେ କି ନିଆଁରେ ଆପଣ ଏମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେନି, ଗୋଟେ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଜାଗା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଡଷ୍ଟ ଫ୍ରି ଏରିଆ କିମ୍ବା ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଜାଗା ଦରକାର। ତାପରେ ନୋ ଫିଲିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୌଣସି ଫିଲିଂ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତା'ର ଇମୋସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି କିଛି କ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଦେଲେ ସେ କ୍ରାଏ କରିବ, କିଛି ଅପସନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ସେମିତି କରିବ, ତ କିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୌଣସି ନୋ ଫିଲିଂସ୍ ଆଣ୍ଡ ନୋ ଇମୋସନ୍, ଏଲା ହେଉଛି ନୋ ଫିଲିଂ ନୋ ଇମୋସନ୍। ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପୁରା ଫୁଲ୍ ନଲେଜ୍ ମୁଁ ଆପଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି, ପୁରା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଯାହା ବି ହୋଇଥାଏ, ତା'ର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ, ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ, ତା ସହିତ କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ କରିଥାଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ, ଆପଣ ଆଗ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏନ୍ ଟି ପି ସି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଓଏସ୍ଏସ୍ ଶହେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଏନ୍ ଟି ପି ସି ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଏଇ ଟପିକ୍ରୁ, ମେନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟରୁ ଆସିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଅଫିସ୍ରୁ ଆସିବ। ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର, ତଥାପି ଟ୍ରାଏ କରି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଭଲ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।